कहाँ लग लेके आ गए? अरे ये घर तो जाना पहचाना लग रहा है, ये प्रदीप की मौसी का घर है शायद। लंगूर का अंगूर देखिए, लंगूर है और उसके हाथ में उधर अंगूर लग गई है। कितना खुश रहा है। ये देखो नाना का दुकान, नाना के दुकान पे बाबू खाने के लिए आ गई। क्या लेना है? कहते नाना बिस्किट दीजिए। दो मिनट ले आएंगे कि नहीं? दो मिनट ले जीजा जी, जीजा जी दो मिनट ले आएंगे कि नहीं? देखिए वीडियो खाली भी आगे खड़ी है। अरे लोग वेट कर रहे हैं, सुनिए ना। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और भले चंगे होंगे। तो देखिए अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और पैर जो मेरा है अभी सूजन वैसे का वैसे ही ठीक नहीं हो पा रहा है। तो भाई बोला कि चलो एक्सरे करवा देते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है। तो बस मैं उसी के लिए जा रही हूँ और रेडी हो गई हूँ और बैठी हुई हूँ। तो अभी भाई आया नहीं है, मैं ही बैठ गई हूँ गाड़ी में अपने, और देखिए कब तक आता है। तो चलिए निकलते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ है, पैर सही है या कुछ मतलब फ्रैक्चर वक्चर हुआ है। तो आप लोग को सारी जानकारी देंगे, लेकिन पहले हॉस्पिटल तो पहुँच छे। कौन कौन? बाबा, पापा, राहुल सब, सारे लोग साथ जाने वाले हैं भाई। देखिए फ्रेंड, सारे लोग साथ जाने वाले हैं। किधर किधर कौन बैठेगा? पहले तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ भाई, मैं और दादाजी जा रहे हैं, क्योंकि दादाजी को बैंक का कुछ काम था, उनका पेंशन रुका हुआ है, नहीं आ रहा था। तो मुझे पता था कि दादाजी जा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी पता चला कि पापा भी साथ में जा रहे हैं। और पापा जी को जाना है लखनऊ, तो पापा जी हफ्ते में एक बार लखनऊ ज़रूर जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि उनको जाना पड़ता है। तो पापा भी साथ में जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो है हम लोग की, इससे पापा चले जाएंगे लखनऊ, और पापा जी के साथ जो जा रहे हैं उनकी गाड़ी आएगी घर पे, तो इसलिए पापा जी भी यहीं साथ में निकल गए। और अभी आ गए हम लोग पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे इसका टंकी जो है फुल कराना है, क्योंकि लखनऊ तक गाड़ी जाने का टंकी फुल करानी पड़ेगी। और पापा जी के सामने मेरी हालत कुछ ऐसी होती है, ना बोल सकती हूँ ना हंस सकती हूँ, बेचारी की तरह एकदम सीधी साधी जो लड़की होती है वैसी बन के रहना पड़ता है मुझे, बस वैसे ही बनी रहती हूँ। और बीच बीच में पापा जी को देख रही थी कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो कहीं वो देख तो नहीं रहे हैं ना। और अभी हम लोग निकल गए हैं और थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुँच भी जाएंगे। तो अभी आ गए हॉस्पिटल, और यहाँ पे पापा जी का भाई का काम चलता रहता है, तो बस यहाँ पर आए दिखाने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले कटेगी पर्ची, तो पर्ची कटवाने के लिए भाई चला गया, और मुझे वेटिंग एरिया में बैठ के वेट करना पड़ेगा। और डॉक्टर का केबिन चले दिखाती हूँ। देखिए सामने जो रूम है जहाँ पे भाई गया है, डॉक्टर का रूम है, और ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे बैठ के मुझे कुछ देर वेट करना पड़ेगा। जब मेरा नंबर आएगा तो मैं चलूँगी चेकअप करवाने के लिए। हम डॉक्टर साहब की मौसी की लड़की है भैया, क्या सच्ची बात तो है, बताएंगे तब ना जल्दी अंदर। ठीक है, ए किधर पीछे रहा है? पैर की जांच तो करा ले, जांच में डॉक्टर सर ने लिखा कि हमको एक्सरे कराना पड़ेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो बस ये है एक्सरे रूम जहाँ पर मैं आ गई, और यहाँ पे देखिए पापा जी और भाई दोनों लोग, इन लोगों का कुछ पर्सनल काम था तो उसको किए, और मैं अपना करवाई एक्सरे। एक्सरे में यही निकला कि पैर में सूजन है, तो डॉक्टर सर ने पूछा कि मैं गिरी हुई हूँ, तो मैंने बताया हाँ, तो बोले बस थोड़ा सा सूजन आ गया है, और गर्म पट्टी दवाइयाँ जेल दिए, बोले कि इसको टाइम टाइम से करते रहना और जल्दी ही पैर ठीक हो जाएगा, और बोले कि एक हफ्ते बाद आके फिर से चेकअप करा लेना। एक्सरे रिपोर्ट, दवाइयाँ, और ये रही मैं। अभी हम लोग चलेंगे घर, और गाड़ी यहाँ से होगी एक्सचेंज, क्योंकि ये दूसरे की गाड़ी है, दूसरे की नहीं है, ये सरकारी विभाग की गाड़ी है। ये पता नहीं किसकी गाड़ी, पर मज़ा नहीं आ रहा इसमें। तो अभी हमारे दादाजी पता नहीं किधर चले गए, उनको ढूंढा जा रहा है, उनको लेके चला जाएगा, क्योंकि वो बैंक के काम से आए हुए थे, तो पता नहीं किधर होंगे अभी। तो अभी दादाजी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग अंदर गए थे दादाजी टहल रहे थे, तो अभी देखना है दादाजी कहाँ पे चले गए हैं, और उनको लेके चलना है घर। तो बस अभी बैक हो रही है हम लोग की गाड़ी, और यहाँ से भाई को गाड़ी चला के घर तक जाना है,
और उसके बाद देखिए अभी दादाजी मिल के सामने किसी से कर रहे थे बात, और ये ड्राइवर है जो कि हम लोग की गाड़ी चलाते हैं, तो ये पापा के साथ जाएंगे लखनऊ, और बाकी इस वाली गाड़ी से भाई दादाजी का काम करवाएगा और उसके बाद घर जाएगा, लेकिन मुझे रास्ते में छोड़ देगा, मैं उसके बाद घर चली जाऊंगी और ये दादाजी का काम करा के आएगा। तो अभी इनको पान खाने के लिए पैसे चाह रहा था, तो उसी पे भाई बोला कि आपकी आदत होगी ये पैसे लेने की, तो हम हंस रहे थे क्योंकि उनको पता है कि पापा से वो नहीं मांग सकते हैं, लेकिन भाई से मांग लेते हैं तो ज़रूरी भी है भाई उनको देना। और अभी चलते हैं हम लोग घर के लिए। तो अभी देखिए घर पे आ गए और दरवाज़ा ला के यहाँ पे, और आज घर पे कोई नहीं है, तो दोनों शटर जो है बंद है, दरवाज़ा भी बंद है। तो अभी आकृति को आवाज़ दी हूँ, आएगी दरवाज़ा खोलने के लिए, और यहाँ पे हमारा घर है और सामने ऐसे रोड है, तो मैं सोची कि जब तक आकृति आ रही है तब तक अपने घर का एरिया मतलब जो वहाँ पर मैं रहती हूँ मतलब हमारा मायके जहाँ पर वो दिखा दूँ आप लोगों को। हाँ दिखा दो सबको, सबको दिखा दो। तो अभी दरवाज़ा ला के बाबू खोला, मैं यहाँ गई और नीचे कोई नहीं रहता, नीचे बस सारा सामान रहता है, लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो आ गई छत पे और चलते हैं अंदर। और देखिए हमारी मम्मी जी और बाबू दरवाज़ा खोलो, बंद है दरवाज़ा। और अभी देखिए रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा है, एडजस्ट करना है हम लोग को। तो अभी आई हूँ, थोड़ी देर करूँगी आराम, फिर उसके बाद सारे सामान को चेक किया जाएगा। ये रिपोर्ट लेकर आए हैं और ये रही हमारी रिपोर्ट। तो फ्रेंड देखिए अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं भाई का फ्रेंड है मम्मी के उसकी दुल्हन को देखने के लिए, लेकिन इस वाले गांव में हम लोग पहली बार आए, और देखिए वो वहाँ पे खड़ा है हम लोग का वेट कर रहा है, तो हम लोग गली भूल गए थे, पूछते पूछते आए हैं, चाहे पैर टूट जाए लेकिन कसम है तो मेरा कोई बात नहीं चले तो रहा है ना, दिल को आकृति आ जाता। इधर घर है भाई, और ही बाप रे सही में कोई नहीं। चलेंगे आज पहली बार वाली भी गली घूमेंगे हम लोग, किस दिया पता नहीं। ये देखिए ये फ्रेंड ये गली है, इस गली से हम लोग को इसके घर जाना है। किसका? संजू बुआ का। संजू बुआ जी हां, अमित का। ये सबका घर पहचान करवाते करवाते हम लोग को ले जा रहा है। ऐसा तो बतियावत हो, हमारे फ्रेंड लोग जुड़े हुए हमसे ना, तो उनको दिखाना पड़ रहा है कि देखिए गली है, गांव है, और इस गांव में फ्रेंड का भाई का फ्रेंड है और हम लोग का भी भाई है। तो हम लोग आए, हम लोग यहाँ किसके यहाँ लेके आ गए जी, कहाँ लेके आ गए? अरे ये घर तो जाना पहचाना लग रहा है, ये प्रदीप की मौसी का घर है शायद। ज्यादा आ गया, कोई बात ना, कबो कबो हम के गली घूम लेके चाहिए, रोड तो रोजा घूमी ला जाए। कोई नहीं, अच्छा लगत है यार, बात माना, पैरों से ही लगत है थोड़ा थोड़ा अब। और इधर बकरी भी है, थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करना पड़ेगा, नहीं बकरियां मार देगी हमको। चल तू हे भगवान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मम्मी हम लोग पता नहीं कितने दूर आ गए, टहलते टहलते देखिए फ्रेंड, और थोड़ी देर में इनके घर पे भी पहुंच जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे हम लोग के साथ में जो पढ़े हुए थे तो उनका घर देखते देखते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इधर कभी आए नहीं थे, फर्स्ट टाइम आए, तो देखना जरूरी है। तुम भी कुछ बताओ अपना अनुभव इस गली के बारे में। थैंक यू, कैसे पता? जो लोग बोलते हैं कि मुझे सब्सक्राइबर मिलेगा बहुत खुशी होते हैं, पर मिलता नहीं है, बस बनाते रहते हैं वीडियो। और कितने लोग को जानते हो जलन भी होता है। अच्छा गांव घूम रही है, आवारा है ना, देखो वही लुघड़ा है उसी के साथ गांव घूम रही है। बतियाते बतिया आ गए भाई प्रदीप भैया के घर पे, तो बैक कैमरे से प्रदीप भैया का घर दिखाएंगे ना। आए हाँ भैया आवा थे जा बोल बड़ी। उधर बहू रानी जो है देखिए हमारी भौजाई चाय बना रही है, उन्हीं को हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं, और ये बेचारा टहलाते टहलाते लेकर आया है, और ये इसका
घर है तो जब तक थोड़ा सा हम लोग बैठेंगे इससे पहले घर घुमा दें। घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइट होती तो एक एक दो रील भी बनाते। लाइट नहीं है, लाइट बिल थोड़ी आता है, दो मिनट में बिल आ जाएगा। हाँ अब थोड़ा सा जला फिर लेके आया अपना दूध के ऊपर। तो हम लोग को जैसे जैसे बर्तन जो भी सामान यहाँ पे आ रहा है ना तो उसका एक्सप्रेशन करते जा रहा है कि कौन सा कहाँ पे था। अभी गिलास आया तो बता रहे ना कि ऐसा गिलास हमारे घर पे था। और एक कहावत है लंगूर का अंगूर, तो देखिए लंगूर है और उसके हाथ में उधर अंगूर लग गई है। कितना खुश रहा है, कितना खुश होते भैया की सही बात है, एक्सेप्ट कर रहा है कि लंगूर लंगूर बात। अच्छा आज तक कोई कोनो बहन के भाई सुंदर लगन हुआ है लंगूरा ना दिखा ना पानी आएगा इसमें। हमारी भौजाई जिसको देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। थैंक यू सिस्टर। ए बहन हम हवा बतिया ना बोल लिया कोई अंकल जी वाला बैंकवा में। देखिए हम लोग को घर आना पड़ा और घर आते ही जाग गई थी और रो रही है। और पता है कौन आ रहा है घर पे आ रही है हमारी फ्रेंड। तो भी फोन आया था अभी, वो थोड़ा दूरी पे है तो थोड़ी देर में आ जाएंगी और उनको कुछ काम है हमसे इसलिए आ रही है, नहीं तो बनारस से यहाँ मुझसे मिलने के लिए नहीं आती। एक्चुअली उनके सिस्टर के यहाँ पे शादी है तो वहाँ पे जाना है उनको, तो वहीं पर आ रही है। तो रास्ते में मेरा भी घर है तो हमसे मिलती हुई जाएगी। और ये अभी रोई थी, उसको भी दवा दिया गया था, बीमार हो गई थी और सो के उठी मेरी बेटी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों, बाहर चला जाए, बाहर आओ, चलो बाहर, चलो 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 आओ चलो बाहर चलो। दो मिनट लिए आएंगे कि नहीं, दो मिनट लिए जीजा जी दो मिनट लिए आएंगे कि नहीं। देखिए वीडियो सच्ची में लेट हो रहा है, सच्ची में लेट हो रहा है। कर तो रहे हो ब्लॉगिंग, आप कैसे करे। हाय फ्रेंड है पागल लड़की, पता नहीं कौन है, चलिए अच्छा दीजिए कपड़वा। देखिए फ्रेंड जिस इंसान पे इतना खुशी खुशी हुए और आई है, बस आई है और जा रही है, जाने से हम बात नहीं करेंगे। मम्मी कहाँ है? मम्मी मम्मी पत्नी नहीं है ये पूजा, तो हूँ इधर किचन में है, नहीं तो उसको भी कहा स्कूल से आए, उसको तो खुदा नहीं बताए थे क्या रही है। आप कब आई, बस अभी आने जा रहे हैं, इसको बैठिए चाय पानी पीजिए। उसको नीचे बहुत लोग बस तिलक भी हो जा रहे थे, जा रहे हैं इनको पहुंचाने, तो रुकी नहीं। चलिए छोड़ दे इनको, आप देख सकते हम लोग कई जगह पर घूमे हुए हैं पर अभी हार हुआ थोड़ा हार मेरा जगह। देखिए फ्रेंड तो ऐसी मार्केट में भी चली है मिलने के लिए लेकिन रुकी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। सलामत रहे दोस्ताना हमारा तो सलाम का तो है, बाय बाय। पर हम गुस्सा है, हम भी तो रहेंगे तब ना पाएंगे। क्यों बाबू को नहीं दिखाए, बनारस में कहा थी आप, बनारस आए तो इधर आ गए ना। नहीं नहीं आप आए नहीं बनारस में, मत दिखाइए मुंह बाबू का, चलो आ जाओ आ जाओ। बाय बाय। ये देखो नाना का दुकान, नाना के दुकान पे बाबू खाने के लिए आ गई। क्या लेना है कहते नाना, बिस्किट दीजिए। बिस्किट चाहिए हो कहते नाना, हम बिस्किट खाते हैं, दे दीजिए हमको बिस्किट। कौन सा खाओगे, टॉफी का पैकेट क्या चाहिए बाबू। देखो बिस्किट ले लिए, घर चलते हैं ना, तो घर चलते हैं, बिस्किट ले लिए नाना के दुकान से। दिखाओ सबको बिस्किट,
बोलो बोलो लेली नाना के कैसे बिस्किट चलते हैं यहाँ क्या लोग यार। अभी घर पे आए तो हमारी भौजाई बनाई हुई थी पकौड़ी और चटनी में थोड़ा सा नमक कम था तो मैं ऐड कर ली नमक। तो अभी हम लोग खाएंगे पकौड़ी और उसके साथ पियेंगे चाय और कल हम लोग को निकलना भी है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, कल नए ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूँगी। आई होप हमारा ये आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए ये भी आ गई साथ में, अभी सो के उठी हुई थी, रो रही थी, जैसे ही पकौड़ी देखी है खुश हो गई। तो बस इसके साथ आज भर और मस्ती करनी है, कल से ये भी अकेली हो जाएगी और हम लोग भी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए इसको ये पे एंड करते, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय फ्रेंड।